किसान का एतमाद उठ गया, अगली बार धरने से 100 बंदा गया है, ऐतकी 50 भी नहीं जाना। 15-15 लाख रुपया, 20-20 लाख, 50-50 लाख तक मंगा जा सी। जिमीदार हो रहा है, किसान हो रहा है, ये याद रखना है। जी थी तुम मकई साड़ी 5000 तू लिया 800 तो छी है, तो हूँ थानू कणक चाहिए 16-15-16 सौ न। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसिफ खिची, तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं इस तू पहले जी ठेके ते वीडियो बनाई है, लोग पुछते सी कि आसिफ भाई थोड़े वाले ठेका की चल रही है, तो वीडियो नू तुसी बड़ा पसंद किया लोगों, तुसी ब्रावा लाइक किया, पसंद की वीडियो, ये थोड़ी मुहब्बत है। थोड़िया कुछ ब्रावा दियां गल्लां सुन लवें दियां ने, कोई थानू सुना लवें दियां, कोई दुख दी कर लवें दी, कोई सुख दी कर लवें दी, एवें तुसी भी मेरे नाल कर लेंदे ने, तो बस एवें खेड रची खड़ी अपनी। तो हुण अज दी गल ए वी काफ़ी बिरा पुछ रहा सी, कमेंट्स कर रहा सी कि आसिफ भाई ऐसा काम केड़ा है जिहड़ा आपां किसानां नूं करना चाहिए ता कि अपनी आवाज़ उतां तक पहुँचे, कुछ एक्शन लिया जाए और किसान दी पावर बने, असी इकट्ठे होइए या जिवें भी होइए असी आदि गल मनवा सकीए। ठीक है ना जी, जिवें कि साढ़े मगर हुण माशाला कणक खड़ी है, मकई लग रही है जी, अगां अल्लाह नूं पता है की बनता है तो की नहीं बनता। मकई अज लवा रहे हैं, आलू पट पुट ते वेले हो गए हैं, कणक जिहड़ी है ना माशाला हुण सारे हर पास सिट्टा कढ़ी खड़ी है। तो हुण जनाब सोशल मीडिया से टीविया से अठे टाइम जनाब बुबू पई खड़ी कि सानू कणक 1600 चाहिए, सानू कणक 1500 चाहिए। वो यार मैं ये गल अगे भी की हूँ मोदू रामना चाहना भी थानू जो कणक 1600 चाहिए, जिहड़ी थोड़ी तुसी मकई साड़ी 5000 तू लिया 800 तो छड़ी है, तो हुण थानू कणक चाहिए 16-15-16 सौ नू, और सानू भी तो DAP चाहिए 3500 नू, सानू यूरिया चाहिए है जनाब मेरी 800 नू 1200 नू, और सानू जड़ा है ना बिजली का यूनिट चाहिए 5 रुपये नू, तेल सानू चाहिए 95 रुपये लीटर। ये थानू नज़र कोई नहीं आता, ये थानू नज़र आता भी सानू कणक चाहिए 1600 नू। अच्छा जड़ा मेन मुद्दा हैगा सी, दोस्त पुछते पे भी आस भाई भी की अपन करना चाहिए, तो जिन्नी देर बरावो किसानों का कोई जवाक पुत्र बेटा संभली आल विच नहीं पहुँचेगा, संभली आल दे विच वजीर बनते या किसी भी तरह उत्थे चंगी स्टेज ते नहीं पहुँचता, चंगे रुतबे ते नहीं पहुँचता, उन्नी देर किसान दी गल कदे किसे नहीं सुननी। किसान की है, किसान हैगा या ठेके ते जमीन करन वाला या 15-20 किल्लिआं वाला, जिमीदार हो रहा है किसान हो रहा है, ये याद रखना है। जिमीदार वो है जिंदी जमीन 100 या 100 तो उतां है, ठीक है ना जी, ते किसान वो है जिहड़ा ठेके ते पकड़दा है जमीन, पानी मुल दा लैंदा है, ठीक है जी, डिग्गी मुल दी चलांदा है, वाही मुल दी सारी पकड़दा वाह भी ये वो, वह किसान है। हुण किसान दा पुत्तर पढ़ेगा ते वध तो वध पढ़ेगा जनाब, दा तो बाद प्यो बुढ़ा हो जासी घर दा सर्कट नहीं चलना, उन्हूं वाट ते उयो वाही करनी पैनी। जे कोई नसीबां वाला पुत्तर पढ़ी गया ते मुड़ इत्थे सियासतदाना दे गिट्टे नपणे पैणे ने, ते उन्हां दी मिन्नत करनी पैनी वी सानू किसे पोस्ट ते लवाओ, कि उन्हां वेखणा ना वी इहदा बैकग्राउंड की है, ये तो गरीब है, ये तो किसान का पुत्र है, जिमीदार का पुत्र नहीं हैगा, तो उन्हें नहीं लवावना थानू ला रहे, या फिर तुहाडे कोलों एक एक नौकरी का 15-15 लाख रुपया 20-20 लाख 50-50 लाख तक मंगा जा सी, किसान का पुत्र नहीं भर सकता, क्योंकि किसान का तो हाल ये होया भी है कि वह आदे घर मसे बिचला, थानू कौम ने भी सामभदा भी है, आधा घर भी सामभदा भी है, तो आधा घर भी औखा होया खड़ा सामना। जिमीदार कौन है? जिमीदार वो है जिसे को 100 तो प्लस रकबा है और उन्हें ठेके तो दिता हुआ है किसानों नू। जिमीदार जिड्डा भी जिमीदार वड्डा होवेगा, चाहे थोड़ी बहुती वाही करता भी होवे, आदे आप नू किसान केड़ा ना जहर करता होवे, लेकिन वो जिमीदार है किसान नहीं। वो किवें? उन्हें थानू किसानों नू ठेके ते भोएं दे ते 3.5 लाख नू किला थोड़े हड्डां विचों पैसे कढ़ने ने,
और अगर उनका पुत्र पढ़े भी गा, क्योंकि अगर एक मिसाल है 100 किला रकबा है तो 3 लाख के हिसाब न 3 करोड़ बन गया, ठीक है ना जी। तो 3 करोड़ जिन्हों घर बैठे आ जाता उन्हें वाही कर तो की लैना है, उनकी औलाद भी पढ़ेगी, उनकी औलाद पढ़ भी जाएगी, अगे वे बंद सियासी नाल तलक भी होगा, उन्होंने पुत्र नौकरी भी लग जाएगा, संभली हाल तक भी पहुँच जाएगा, लेकिन थोड़ी गल नहीं करेगा, किसानों की गल उत्थे नहीं करेगा, क्योंकि वह जिमीदार है, उन्होंने सालाना 3 करोड़ रुपया आता पी है, वो थोड़ी गल क्यों करेगा, वो थोड़ी गल नहीं करेगा, वो आधी गल करेगा, वो आधा सोचेगा कि फलानी जगह तू सानू 3 करोड़ 70 लाख आ गया हा, क्यों ना आवे कि वो कोई काम करा जिथू मैनू 30 लाख बचे तो उतरा 4 लाख पूरा, उतला मेरा 4 करोड़ पूरा हो जाए, 70 वाला जरा ना 30 लाख बचे तो 4 करोड़ पूरा हो जाए, वो करप्शन करेगा, वो थोड़ी गल नहीं सुनेगा। बाकी अगर धरनिया की सूरत हाल वेख लीए तो जेड़े आप किसान जड़े हैं कोई जिमीदार फड़ते जिंदी भोएं वाह वाह होनू अगे ला दें ये जी साडा रहनुमा है, ये साडा कैद है, वह कैद साहब उरी किले धरना दे बैने किसले अगे मुजाकरात की वारी आँदी तो वह बस एक जना ही तिना चौ बंद उत्थे कमरे के अंदर मुलाकात करता मिल लेंदा है, चार आने खाते थानू आज धरना खत्म, आपने मुतालबात मने गए, खाद सस्ती हो जासी बिजली सस्ती, ना बिजली सस्ती होनी ना खाद सस्ती होनी, कुछ भी नहीं होना, किसान का एतमाद उठ गया, अगली बार धरने तो 100 बंदा गया है ऐतकी 50 भी नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने पता है भी कुछ भी कौन नहीं होना, धरने अगे की हो गया है, इवें साडी किसानों की 5 रुपये वाली बिजली 80 रुपये यूनिट पर पहुँच गई है, 5 रुपये यूनिट 80 रुपये यूनिट पर पहुँच गई है, खादा साड़िया जो DAP वो वेख लो, यूरिया वेख लो, तो जिनसां दे रेट कोई नहीं, ठीक है ना जी। तो बाकी हूँ मैं लास्ट ये भी दसदा चलना कि ठेका जड़ा है ना इठाड़ तो उताड़ लोग पुछते हैं कि रेट जमीन लेनी चाहिए, साढ़े वेले जड़ा हालात है ना इतने तकरीबन 4 किले तो लैते 15 किले तक प्लाट हों, तो इतने साढ़े को जड़ा ठेका चल रहा है ना वो अगर तुम 2 किस्तां करते हो तो मुड़ ठेका है 330 तक, 2,320,000 ठीक है इस टाइम ठेका मंगल नू जनाब मेरी इत्थे 4 लाख भी मंगते पे ने, ठीक है ना जी, कई बंदे 3,30,000 और 3,60,000 भी ले बैठे ने, ते कई जेडे पैसे एडवांस दे देने हैं उन्होंने तकरीबन 2,30,000-40,000 तक भी मिल जाती है, अद्धे पैसे एडवांस दे देते अद्धे बाद से देने होंगे ने, तो इठाड़ की जी जमीन है ना उत्थे कुछ फसलां नहीं होंदियां जिवें कि आलू नहीं लगता, साढ़े एरिए ज़्यादा आलू ही लगता है, मक्की लगती उत्थे आलू नहीं लगता, कई फसलां भी नहीं लगदियां या सैलाब का भी खतरा रहिंदा है, कोई जमीन भी इन्नी लैवल नहीं होंदी उत्थे, जमीन मेरे ख्याल नाल तकरीबन कोई 2,30,000 नूं और 2,50,000 तक थानू मिल जाती है, तुम 6 महीनों बाद यानी कि फसल की फसल तुम उन्होंने पैसे देने होंगे, एडवांस नहीं देना होंगे, तो बाकी पानी जड़ा है वो तुसी जिथे भी जमीन खरीद लवो और ठेके तो लो या खरीदो, पानी का बंदोबस्त तुसी वेख लेना भी मोगा कितनी दूर है, नहरी पानी है कि नहीं हैगा, या थल्ले वाला पानी किन्ने रकबे ते किन्नियां डिग्गियां लगियां होईयां ने, या की सूरत हाल है, ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो नाल, अल्लाह हाफिज़।